बांग्लादेश ने पहले वनडे मैच में भारत को एक विकेट से दी मात। नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी स्पोर्ट्स। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में बांग्लादेशी टीम ने भारत को एक विकेट से हरा दिया है और इस मैच के हीरो रहे बांग्लादेशी खिलाड़ी मेहदी हसन, जिन्होंने 38 रन की नाबाद बेहतरीन पारी खेलकर बांग्लादेश को भारत के खिलाफ शानदार जीत दिलाई। दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ से पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन ने भी इस मैच में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की मौजूदा कप्तान लटन दास ने भी शानदार बल्लेबाजी की। भारत की तरफ से टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल रहा, लेकिन केएल राहुल ने आज भारत के लिए 73 रन की शानदार पारी खेली, जिसके चलते भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 186 रन के स्कोर तक पहुंच सकी और बांग्लादेश ने इस लक्ष्य को बड़ी ही आसानी से चेज कर दिया। इस मैच की अगर हम बात करें तो लो स्कोरिंग ये मैच था, लेकिन मैच में रोमांच आखिर तक बना रहा, लेकिन आखिर में जीत बांग्लादेश की ही हुई। भारतीय टॉप ऑर्डर इस मैच में पूरी तरह से फ्लॉप रहा। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने मात्र 27 रन बनाए, इसके अलावा शिखर धवन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, वहीं विराट कोहली भी 9 रन का योगदान ही दे पाए। वॉशिंगटन सुंदर ने जरूर केएल राहुल का साथ देने की कोशिश की, जिसके चलते भारतीय टीम 186 रन बना सकी, लेकिन ये स्कोर इस मैच के लिए भारत के लिए खासकर कम साबित हुआ और बांग्लादेश ने इस लक्ष्य को 9 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया और इस मैच में भारत पर एक विकेट से जीत दर्ज की है। इस सीरीज में अब बांग्लादेश ने 1-0 से बढ़त बना ली है। दूसरा वनडे मैच भारत और बांग्लादेश के बीच 7 दिसंबर को खेला जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनडीटीवी स्पोर्ट्स।